हेलो, हेलो। क्या बात है? बड़ी खुश हो रही होगी तुम तो। मैं क्यों खुश होंगी? अरे जाओ, सब पता है मुझे क्यों खुश होंगी। क्या बता लड्डू तुम्हें, फूट रहे होंगे मन में, लड्डू। क्या बता तुम्हें? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं अरे पता। जाओ, तुम्हें कहाँ पे जाओ? क्या पता नहीं है? पता नहीं है ये तो बताओ कि क्या पता नहीं है। पता ही नहीं है तो पता कैसा होगा? ये फिर खुशी किस बात की है? फिर कभी कभी आ जाती है। वो कभी कभी नहीं आती, सब पता है मुझे किस बात की आई है। किस बात की आई है? मैं मत सिखाओ। अब सिखा नहीं रही हूँ, बता दो। हाँ मेरी जिस बेस्ट फ्रेंड से तुम जलते थे, तुम्हें शक होता था, मैं बात करता, तुम आग बबूला होती थी। चाहे तुम अपने 50 मेल फ्रेंड से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करता, तुम्हें जलेसी होती थी, रोज लड़ाई करती थी। अब तुम्हें पता चल गया उसकी शादी तय हो गई है, तो अच्छी बात खुशी है तो ना। हो ही रही तो होगी ना तुम्हें। नहीं, देखो अच्छी बात है, उसकी शादी फिक्स हो गई, पर अरे मुझे कितना क्या। नॉर्मली बोल रहे हो, अच्छी बात है मुझे क्या? पता नहीं है कि मुझे किस बात की खुशी हो रही है। कैसे तुम्हारी स्टोरी लग रही है? आई एम वेरी सो हैप्पी, आज मैं बहुत खुशी हूँ, ये हूँ, सब अरे तो पता यार, है मुझे। शादी हाँ, सबकी फिक्स होती है, तुम्हें कुछ ज़्यादा खुशी हो रही है ना? कहीं तो मुझे पता क्यों खुश है होगी? शादी फिक्स हो गई, अब तो ऐसी कोई चांस ही नहीं है, और अब तो फटाफट चली जाएगी जल्दी शादी करके, तुम्हारी मुझे क्यों दिक्कत जलेसी होगी यार? खत्म। नहीं, अरे मुझे क्यों खुशी होगी इतनी? शादी उसकी फिक्स हुई है, जाओ, बात करना तुमने कम किया, अपने आप कम किया, मुझे क्यों बीच में घुसेड़ रहे मैंने हो? बात करना कम नहीं किया है, मैं तो शादी में भी जाऊंगा उसकी। मैं भी तुम्हें चलूंगी, जो इनसिक्योरिटी थी मैं ना, भी चलूंगी शादी में। क्यों डर है कि शादी से भाग के ना ले जाऊँ उसको? भागेगी भी नहीं तुम्हारे संग, क्योंकि नहीं, वही तो कह रहा उसे हूँ, पता है ना तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें इस चीज़ का भी डर हुआ है कहीं शादी से भाग के ले के, तो है ना, इसलिए शादी में जाऊंगी, बाय कदर देखूंगी। हाँ, विदाई हो गई उसकी, चली गई वो बिल्कुल। नहीं, इतना समय नहीं, मैं विदाई सुबह 4 बजे तक रुक सकूं। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ ना, तुम्हें तो खुशी हो गई होगी, तुम्हारी तो इनसिक्योरिटी खत्म हो गई। तुम बहुत चाहे 50 लोगों से बात करो, पचास सॉरी 50 तो बहुत कम नंबर है यार, तुम चाहे 100 लोगों से बात करो, अपने 50 मेल बेस्ट फ्रेंड बनाओ, आए दिन नए मेल बेस्ट फ्रेंड बनाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरी एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड हुई तो रोना चालू, जेलसी लेवल हाई पीक पे। तुम्हारा भी तो होता है। बोलता तो नहीं हूँ, बोलता तो नहीं हूँ, फैक्ट कब फैक्ट कब फैक्ट कब फैक्ट कब फैक्ट। क्या तुम्हारे, तुम अपने नजरिए से बातें बनाते हो, अपने नजरिए से उसे फैक्ट बोल देते हो, वो कहाँ से फैक्ट होता है? मेरे अकॉर्डिंग फैक्ट होता है। एनी वे, अब तो तुम खुशी मनाओ, मेरी कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं रही। शुक्र है, नहीं गए, नहीं है, मुझे बहुत दुख हुआ यार। हाँ, वो शुक्र है जो तुमने धीरे से बोला ना, सुन लिया मैंने। तो मुझे बहुत दुख हुआ। दुख में इंसान शुक्र है कहता है ना, मैंने कब बोला? सुन लिया था कंफ्यूज क्यों मैंने, करते थे सुन मुझे? लिया था मैंने, जब मैंने बोला मेरी कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं रही, हाँ, हुई मुझे वो खुशी, तो फीमेल तुम क्या बेस्ट फ्रेंड। करोगे? क्या कहना, क्या चाहते हो? मैं दुख मनाऊँ, मैं शोक कर मनाऊँ? क्या चाहते हो नहीं, तुम तुम? कुछ मत करो, तुम चाहते क्या हो? कुछ मत करो भाई। खुश हो रही हो तो तुम खुश हो ना उसमें फिर। हाँ तो खुशी हूँ मैं तो खुशी हूँ, उसकी शादी तय हो गई, अच्छा लड़का है, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था तुम्हें। तो मुझे भी खुशी होगी ऑब्वियसली यार, उसकी शादी हाँ, होगी, किसी लड़की की शादी हो गई, तुम्हें तो होगी एटलीस्ट ना, एक तो तुम्हारी लिस्ट में से कम होगी। विदा होकर घर जाएगी अपने एक ससुराल। तो, नहीं, एक ही थी, अभी एक और बाकी है, कौन सी बाकी है एक और तुम्हारी वो जो बेस्ट फ्रेंड नहीं है पर वो अपने आप को तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड लॉन्ग समझती है। डिस्टेंस में, मतलब इतनी दूर रहती है, सब लॉन्ग डिस्टेंस ही होती है, तुम्हारी दो क्लोज महीने में, डिस्टेंस वाली आती कब है दो तुम्हारी महीने में जिंदगी एक में बार कोई? व्हाट्सएप से बात हो गया, व्हाट्सएप बात हो जाती, उसमें भी तुम्हें दिक्कत होने लगी अरे है। तो भाई, क्लोज डिस्टेंस में कोई आती कब है तुम्हारे? सब लॉन्ग डिस्टेंस में ही आती हैं। कहते रहा हूँ, एक उससे 2 महीने एक बार बात हो जाती है, उससे भी दिक्कत होने लगे क्यों होती तुम्हें। है? और तुम्हारी जो 5 मिनट में 50 दोस्त बना लेती हो तुम, हैं मैंने कब उनसे बनाया उनसे दोस्त? बातें करने लगती हो, मैं तो कभी कुछ नहीं बोला। तुम मैंने कब दोस्त बनाए? मैंने कब दोस्त बनाए? छोड़ो, बेचारी पता नहीं शादी के बाद खुश रहेगी नहीं रहेगी। यार तुम्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। मुझे तो होगा, कहीं मैं तुम्हारी तरह 5 मिनट में दोस्त नहीं बना लेता हूँ ना, मैं सोच समझ के दोस्त बनाता हूँ, जो बनाता हूँ उनसे भी अच्छी तरह चलाता हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी 5-10 मिनट में दोस्त बन जाते हैं मेरे। हाँ, मेरे 5-10 मिनट में दोस्त जरूर बनते हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ये भी बात मेरी फैक्ट है, मेरी पाँच एक दस मिनट में दोस्त बना लेते हो भाई, वो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आते हैं कि भाई मेरी कोई इंसान एक इतनी जल्दी दोस्त कैसे बनाता है, सामने किसी को इनसिक्योरिटी हो, बुरा फील हो, मुझे क्या, मैं तो बना दिया, मैं तो बात करूंगी, आई डोंट केयर, मेरी एक एंड में टैग दे दूँ, दोस्त है ना, क्या दिक्कत है, बात नहीं कर सकते हम,
तुम्हें जलसी हो रही है, तुम्हारी सोच छोटी, तुम मेरी छोटे। एक बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली है, वो मेरी उससे फ्रेंडशिप पता है कैसे हुई थी, मतलब नहीं क्लास जानता। में फ्रेंडशिप हुई थी, सिक्स क्लास में, आज सिक्स क्लास को खत्म हुए, 15 साल करीबन हो गए, अच्छा तब से वो मेरी फ्रेंड है हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ और इन फ्यूचर वो आगे भी रहेगी। ना। वही तो कह रहा हूँ, आगे भी रहेगी। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता हूँ ना, कि मैंने तो एक बार कही थी तब तुमने मुझे बोला था, क्या बोला अमन यार कितनी छोटी सोच रखते हो तुम, मैंने, अब मैं किसी से बात भी नहीं करूँ, अब मैं ये भी नहीं करूँ, अब तुम मुझ पर रोक टोक करोगे, नॉर्मल बात नहीं कर सकती मैं किसी से, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मैंने छोड़ो यार, करने तो ज़िंदगी है सबकी अपनी अपनी, बट एक इंसान को खुद सोचना चाहिए कि कहाँ आपको क्या चीज़ बुरी लग सकती है। ना डीपली के चले जाते हो, मैं तो चला नहीं जाता जाती हूँ किसी बात में इतना डीपली, नहीं मैं चला जाता हूँ। मैं कभी कभी, मैं भी जाती थी यार, बहुत बार मैं भी चली जाती हूँ, फिर दूसरी बार में ख्याल आता है यार तुम्हारे तू साथ भी, अभी बीतने नहीं लगी ना, जिस दिन मैं करने लगा ना अपने ड्रामे, उस दिन वापस जाना चालू हो जाऊंगी भाई पे तुम घूसा पड़ेगा, नहीं कहीं कहीं नहीं, बहुत सी जगहों पे तुम्हारे से, तुम्हारे लिए भी मुझे फील होता है डीपली वाला, पर फिर मैं सोचती यार जान दे, तो। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अभी नहीं मैं बहुत बार अभी भी होता है, बहुत बार तुम अभी भी ऐसी हरकतें करते हो, हाँ करता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं, अब मैंने बहुत कम कर दी, जिस दिन अभी मैं चार से कम कर जिस दिया, दिन मैं करने लगा ना, उस दिन तुम भी डीपली जाने लगे, फिर समझ में आ जाएंगी तुम्हें बातें। नहीं मैं कई कभी कभी ये सोचती हूँ क्या इंसान की खुद की पर्सनल लाइफ है, देखो तुम्हारी जेलेसी लेवल देखो अपनी जगह पे, सुनो सुनो पहले मेरी सुनो, बात हाँ सुनो, सुन पहले मेरी सुनो बात सुनो, जेलेसी लेवल, बोलो बोलो। जेलेस अपने जहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पार्टनर जेलेसी होना बंद कर दो या फिर इनसिक्योर होना बंद कर दो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, पर एक थोड़ा सा स्पेस होता है खुद का, वो अपनी जगह पे मेरे हिसाब से, तुम्हारे बिल्कुल हिसाब से पता नहीं, तुम्हारे नहीं, बिल्कुल बोला तो हिसाब से पता मैं नहीं, अपने हिसाब से बता रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से बताए क्या है? एक रिश्ता होता है ना, तो तुम ये नहीं कह सकती कि मेरा स्पेस, मेरी लाइफ, मेरा ये मेरा वो, समझ रहे हो? क्यों तुम बता रहा हूँ ना कि सामने वाले को जलसी हो रही है, वो अपनी जगह है पर मेरा स्पेस अपनी जगह है नहीं। मैंने एक तो पूरी, ऐसे में आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है ना, या तो आप सामने वाले को पागल समझें तो आप जो चाहे वो करें, कोई स्पेस वेस्पेस उसमें कुछ नहीं है, या फिर आप लॉजिकली समझें कि सामने वाले वो चीज़ हर्ट हो रही है तो उस चीज़ का मुझे फिर ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मैंने एक रिलेशनशिप बनाया, सामने वाले ने मेरे को मार पीट करके रिलेशनशिप में नहीं आना है, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आई हूँ, रिलेशन बनाया तो उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उसको हर्ट कर रही हैं, ऑब्वियसली मेरे को भी कुछ चीज़ हर्ट करती हैं, तो वो चीज़ें फिर कंट्रोल वो करने की कोशिश करता करता है, तो फिर मेरे को भी वो चीज़ करनी पड़ती है, फिर तुम उससे ये नहीं कह सकते मेरा अपना स्पेस, मेरी अपनी मर्जी, मेरी मैंने हार्ट ज़िंदगी, वाली चीज तो और बोली अगर वो नहीं, चीज़ें आ रही हैं तो फिर आप सिंगल रहे, मैंने हार्ट वाली चीज तो बोली नहीं तो मैं कि बता तुम्हें रहा हार्ट हो हूँ रहा हो, मैं वाली चीज करती रहूँ करती रहूँ, मैंने वो तो बोला ही नहीं ना, मैं अभी बोल रहा कुछ हूँ ना, भी, कोई अगर है बात वो जो आपको एक्चुअल में लग रहा है कि ये सामने वाले को पता चलेगी तो उस पर शायद हर्ट हो सकता है, तो चीज़ हम मैं तो हूँगा, मैं तो वहीं पे रोक दूंगा, अगर मेरे को हल्का सा भी डाउट होगा कि इसको हर्ट हो सकता है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही मैं हूँ, और मैं सामने वाले से उम्मीद नहीं करता, वो क्या है, वो उसको रोक रहा है चीज़ को, नहीं रोक रहा, वो उसकी चॉइस है। अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ कि तुम हर्ट हो या फिर मैं वो वाली चीज़ करते रहूँ करते रहूँ करते रहूँ, देखो तुम्हें जलसी हो रही है, वो मुझे ही देखना है कि भाई तुम्हें जलसी हो रही है, तुम्हें वो चीज़ बुरी लगने लग रही है तो मैं वो चीज़ नहीं करूँ, वो वाली बात बिल्कुल तुमने ठीक बोली, पर मैं ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो खुद के लिए भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल वही गलत काम करूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है या फिर तुम्हें पसंद है बिल्कुल वही वही, थोड़ा बहुत तो सबकी लाइफ में होता है, तो बस वही थोड़ा बहुत ही कह बट रही हूँ एक मैं भी, बाउंड्रीज आती है ना, बाउंड्रीज, या फिर हाँ वो बाउंड्रीज जब तुम क्रॉस करो, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत भी तुम अपना समझ लो, हर एक किसी का ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मैं बता रहा हूँ सुनो, मेरी एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक मेरी फ्रेंड है, एक मेरा दोस्त है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं वैसे मेरे, बट मैं नॉर्मली सबके बारे में जानता हूँ और एक लिमिट से ही बात करता हूँ, तो मैं उनके बारे में बताता हूँ, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, अब तुम्हारे लिए कोई चीज़ कहाँ तक नॉर्मल हो सकती है और मेरे लिए कहाँ तक वो चीज़ नॉर्मल नहीं हो सकती, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
उनके लिए किसी के साथ तो मतलब नाइट स्टे करना, फिजिकल होना, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना, ड्रिंक करना, पार्टी करना, ये सब बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे नॉर्मल है, बहुत ही मतलब वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मतलब किसी को तुम आधे घंटे मिले उसके अंदर तुम फिजिकल हो गए, ठीक है, पूरी नाइट स्पेंड कर दी तुमने, वन नाइट स्टैंड, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बहुत नॉर्मल। उसका दूसरे से तुम उसको भूल भी, उसका नाम भी भूल गए, तो ये सब उनके लिए बहुत नॉर्मल है। वो मेल बेस्ट फ्रेंड है उसके उसके केस में भी है, दोस्त है उनके केस में भी है, तो वो चीज़ उनके लिए नॉर्मल है, बट ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो एक चीज़ किसी के लिए कहाँ तक नॉर्मल हो सकती है, एक चीज़ किसी इंसान के लिए कहाँ तक नॉर्मल नहीं हो सकती, वो कैरी करता है, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ चीज़ बहुत नॉर्मल है कि यार रिलेशनशिप में, बट नॉर्मल है ना, इतना तो मतलब फ्रीडम होना चाहिए, इतना तो अपने लिए होना चाहिए, बट वो चीज़ सामने वाले के लिए नॉर्मल है, वो उसको हर्ट कर रही है, डाइजेस्ट हो रही है, नहीं हो रही, वो एक चीज़ वहाँ पे आ जाती है फिर, कि उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, तुम्हारे लिए तो है। जब मैंने बोला मेरी दोस्त से मैं कभी बात करता हूँ, बोलता हूँ यार मतलब कैसे नॉर्मल है इतना, कि किसी के मतलब तुम बात की, तुमने 1 घंटा 2 घंटा मिले हो तुम, मतलब अगर तुम्हें पसंद आ गया तो मतलब नाइट स्टे भी कर रहे हो तुम, ये चीज़ इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। तो कहती है इसमें क्या बड़ी बात है यार, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, होती होती है, नॉर्मल है, तो तुम्हारी जिस सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके लिए बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है भाई उसके लिए, और वो बोलती भी है मुँह पे, बट वो चीज़ मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें समझने में तुम्हें नॉर्मल लगे नहीं लगे, वो तुम्हारे थॉट है, तो कोई चीज़ तुम्हें नॉर्मल लग रही है जरूरी नहीं सामने वाली वो एक्चुअल में उतनी नॉर्मल हो, तुम्हारे माइंड से तुम्हारे मतलब हिसाब से वो चीज़ नॉर्मल हो सकती है, सारी चीज़ें कह रहे नॉर्मल है वो, और सामने वाले के माइंड के हिसाब से, सामने वाले की थिंकिंग के हिसाब से, उसके रिलेशनशिप को देखने के नज़रिए के हिसाब से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हो सकता है नॉर्मल नहीं है, वो चीज़ उसको हर्ट कर रही हो, वो चीज़ उसको मतलब बुरी लग रही हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल है, तो उसके डेफिनेशन होती है उस, समझे, बोझ ये बता रहा था। समझ गया। चलो बाद में बात करते हैं ना। ओके बाय। बाय।